क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक क्रेमेशन यानी विद्युत सौदाह कैसे काम करता है? वैसे तो भारत में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक सौदाह एक भट्टी होती है जिसमें ज्यादा तापमान पर शरीर जलाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रेमेशन मशीन अलग होती है। इसमें शरीर पहले मशीन में रखा जाता है जहाँ अपने आप उसका वजन होता है ताकि उसे जलाने के लिए ईंधन का अनुमान लगाया जा सके। अब उचित मात्रा में पानी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है जिससे टैंक अंदर से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इसमें लगभग 2 या 3 घंटों में शरीर खत्म हो जाता है और सिर्फ लिक्विड और हल्का कैल्शियम यानी थोड़ी हड्डी बचती है। उस ग्रुप को ठंडा करके बाहर निकाल दिया जाता है। हड्डियाँ क्योंकि छोटी होती हैं तो उसे दबाकर चूरा बना देते हैं। एक चुंबक भी घुमाई जाती है ताकि कोई मेटल हो हड्डियों के बीच तो अलग हो जाए। अब अस्थियाँ परिजनों को दे दी जाती हैं विसर्जन के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।